वहीं गुजरात में हुए गोधरा कांड के आरोपियों को रिहा करने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य द्वारा आरोप लगाया गया कि उन 11 आरोपियों को बीजेपी द्वारा रिहा किया गया, फिर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पता चलता है कि बीजेपी दोषियों को बचा रही है। इसका जवाब देते हुए रांची के विधायक सीपी सिंह ने जेएमएम पर हमला करते हुए कहा कि जेएमएम और सहयोगी कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। देश में जो लोग गजबा हिंद की बात करते हैं उनको बीजेपी सजा देती है, रिपिस्टों को सजा देती है। उस समय में के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरात में शांति स्थापित हो पाई थी। हत्यारा हो, मॉब लिंचिंग करने वाला हो, दंगाई हो, यदि 11 लोग हैं तो उसकी सजा माफ और उसे फूलों से उसका अलंकरण किया जाए, ये सच्चाई सामने निकलकर आया है भारत के इस अमृत काल में। और उस रिहाई के बाद आज तक केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कोई वक्तव्य